बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हाउस फॉर सेल पॉइंट में सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मकान फॉर सेल है, ये फ्रंट में आपको दिखा रहा हूँ, तो 11 मरले में ये मकान बना हुआ है और ये स्कूल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतरीन यानी कि स्कूल के लिए बना हुआ है और नीचे स्कूल, ऊपर रिहाइश भी की जा सकती है। तो इस मकान की मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें कितने रूम्स और वाशरूम हैं, लोकेशन क्या है, डिमांड क्या है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा मकान की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए। ये देख लें इसका सहन यानी कि हॉल रूम, और ऊपर वेंटिलेशन के लिए जो है स्पेस बनी हुई है छत के अंदर, यानी कि वेंटिलेशन के हिसाब से भी बेहतरीन है। और फ़र्श पर पत्थर, ये स्कूल टाइप देखें रूम्स बने हुए हैं इसके, जिस तरह से हर रूम में विंडो लगी हुई है बाकायदा वेंटिलेशन के लिए, और सेम जैसे स्कूल की तरतीब होती है उसी तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। तो दोस्तों, 11 मरले में ये बना हुआ है और इसके रूम्स और वाशरूम का मैं आपको बता दूँ, मुकम्मल टोटल मकान में जो रूम्स हैं वो हैं 10, 6, 16 और 17 रूम्स, यानी कि टोटल 17 रूम्स हैं इसमें 17, और उसके अलावा 11 मरले में बना हुआ है और डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी भी कह सकते हैं क्योंकि आखिरी जो छत है उसके ऊपर भी एक रूम बना हुआ है। तो तरतीब क्या है रूम्स की, ये इसका वाशरूम देख लें। इसमें जो है यानी कि 5 बाथरूम और 6+ बेडरूम्स यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तफसील में जो डिटेल दी गई है वो है कि नीचे 10 कमरे बने हुए हैं, यानी कि 10 रूम्स ग्राउंड फ्लोर पर, और उससे ऊपर जो है 6 रूम्स हैं, और जो ऊपर वाली छत है उस पर भी एक रूम बना हुआ है। तो 11 मरले में ये मकान बना हुआ है और यहाँ पर वजाहत में दिया गया है कि नीचे का जो है एरिया उसको आप स्कूल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऊपर जो है यानी कि नीचे 10 कमरे, ऊपर 6 कमरे, उससे ऊपर एक कमरा, और रूम्स और वाशरूम की डिटेल आपको दे दी है। रह गई है इसकी डिमांड भी आपको बताते हैं, लोकेशन उससे पहले आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, लोकेशन जो है इसकी दीनपुरा सियालकोट में ये बना हुआ है, दीनपुरा सियालकोट जो है इसकी लोकेशन है, और सेलर जो हैं उनसे रابطے के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वाज़े तौर पर उर्दू में वजाहत से लिखा हुआ है कि मकान मालिक से रابطے के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो जितनी यहाँ पर मालूमात दी गई है मैं आपको दे रहा हूँ, डिमांड भी यहाँ पर दी गई है वो भी आपको बताता हूँ। तो मज़ीद मालूमात के लिए या मकान के विज़िट के लिए आप मकान मालिक से रابطہ कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुजारिश है, इसकी डिमांड मैं आपको बताने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसकी जो डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 करोड़ जो है इसकी डिमांड की गई है। 11 मरले में ये बना हुआ है। मज़ीद मालूमात का तरीक़ाकार या मकान के विज़िट के लिए वो भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों, गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस मकान के अलावा और मज़ीद सियालकोट में मकान बराए फ़रोख्त की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का विज़िट करें, वहाँ से भी आप मकान पसंद कर सकते हैं ख़रीदारी के लिए। और दोस्तों, अपना कोई मकान, दुकान या प्लाट वगैरह फ़रोख्त करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें तस्वीर वीडियोस वगैरह जो है शेयर कर दीजिएगा, हम अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे और आपको अच्छा सा कस्टमर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही मकान था जिसकी तकरीबन मालूमात मैं आपको दे चुका हूँ, मज़ीद मालूमात का तरीक़ाकार भी आपको बता दिया है। तो इजाज़त चाहेंगे आज की इस वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।